अब ध्यान से देखना बेटा, लोन अकाउंट जिसके लिए आज हम मिले हैं, ठीक है ना। आज का मेन पर्पस यही है कि लोन अकाउंट बनता कैसे है। वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। अ सम ऑफ 12,233 वॉज पेड इमीजिएटली टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स एंड द बैलेंस टू बी पेड इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एन। तो ध्यान से देखना, 12,233 इमीजिएटली दे रहे हैं। अमाउंट ट्रांसफर्ड कितना था? 22,233। तो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, ध्यान से देखेंगे। 2023 जुलाई 31, वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट 22,233। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें किसी कोई डाउट? 2023 जुलाई 31 को हमने इमिजिएटली कुछ पेमेंट कर दी। बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? बैलेंस शीट में है बैंक। टू बैंक अकाउंट 12,233 आपने दे दिए। अब ध्यान से सुनना प्लीज। टर्म्स एक होती है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं। डाउन पेमेंट मतलब पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ डेथ, कि ये तो हमने इमिजिएटली दे दिए। फिर निकालते हैं हम बैलेंस पेबल। बैलेंस पेबल कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट ड्यू माइनस डाउन पेमेंट इफ एनी। जरूर थोड़ी ना कि हर क्वेश्चन में हो। तो टोटल अमाउंट पेबल वॉज 22,233, इसमें दिया है आपने कुछ पैसे 12,233, तो कितने पैसे बच गए? 10,000। फिर हमें क्या ध्यान देना है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। करेक्ट, टू है। उनकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी और फ्रीक्वेंसी एनुअली है। हाफ ईयरली भी हो सकता है क्वेश्चन। अभी एनुअली है तो एनुअली की बात करते हैं। तो किस किस चीज का ध्यान रखना है? डाउन पेमेंट है कि नहीं है? ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअली है या हाफ ईयरली है? आप ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के पैसे टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में है। उन्होंने तो नहीं बताया सर कि इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो जो भी बैलेंस पेबल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितने पैसे देने हैं? 10,000। और जब उसने बोला कि टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा? 5,000। अब ये कोई स्टेप नहीं है, बट माइंड में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, किस अमाउंट तो नहीं बताया। तो जितना भी अमाउंट ड्यू है सर, अमाउंट तो 22,000 था, नहीं 12,000 आप दे चुके हो। 10,000 ड्यू है, टू इंस्टॉलमेंट्स है, तो इंस्टॉलमेंट 5,000 की होगी, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, अब मजेदार बात है। ये तो बहुत जनरल बातें हैं जिनका पर ध्यान देना है। अब ध्यान से देखना मजेदार बात। डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे कब होगी? 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, बट वो मरा तो 31 जुलाई को है। 12,223 टू बी पेड इमिजिएटली एंड द बैलेंस टू बी पेड इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो ध्यान से देखेंगे, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट शुड बी कैलकुलेटेड, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट शुड बी
calculated from the date of death, from the date of death. तो अगर वो 31 जुलाई 2023 को मिला है ना, तो first installment होगी 31 जुलाई 24, second installment होगी 31 जुलाई 25. इसमें कोई doubt? इसमें कोई doubt? तो एक ये चीज का ध्यान रखना है. और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक्स. जब जब बुक्स क्लोज होंगी, बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च को. तो कितना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है वो कैलकुलेट होगा. और दूसरा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. तो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है? एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, दूसरा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. क्योंकि इंटरेस्ट 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, इंस्टॉलमेंट तो 31 जुलाई को पे हो रही है. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का और इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा. तो इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट होगा? एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, दूसरा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. अगर वो दोनों डेट सेम है तो एक ही बार कैलकुलेट होगा, अगर वो डेट अलग अलग है तो दो बार कैलकुलेट होगा. वो अभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा. तो रिटायरमेंट ईजी इसलिए क्योंकि उनकी डेट्स कोइंसाइड कर जाती है, कि डेट ऑफ क्लोजिंग और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नॉर्मली सेम होता है. नॉर्मली जरूरी नहीं है, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है, बट रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर फिर वो डेथ का ही कॉन्सेप्ट हो जाता है. फिर तो जो फर्क था वो भी खत्म हो गया. इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट होगा? एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग और एक एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. और इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड on on the principal outstanding. एक तो है कब कैलकुलेट होगा और एक है कितने पे कैलकुलेट होगा. कब कैलकुलेट होगा? एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मतलब सर बैलेंस पेबल 10,000. अगर आप एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हो तब वो 5 बचा होगा, यस और नो? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो किस अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. बस इतने से चीजें हैं इनका आपको ध्यान रखना है. ये इतनी सी ही है, बाकी तो बड़ी कितनी सी बात है यार. बैलेंस पेबल कैसे निकलेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है. ये तो कॉमन सेंस है कि 22,000 देने थे, 12,000 दे दिए तो 10,000 ही तो बचे. दो इंस्टॉलमेंट देनी थी, 10,000 रुपए देने मैंने किसी के दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 5,000-5,000 ही तो होंगे. ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, ये तो कॉमन सेंस थी. बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इन चीजों का ध्यान रखना. कॉन्सेप्ट तो बस ये है कि इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होगी वो डेट ऑफ डेथ से कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा और कितने पे कैलकुलेट होगा. तो ध्यान तो ये पेमेंट्स पे ही देना है, बट सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. चलो शुरू करें. तो मैंने देने हैं किसी के क्या, जेड के 10,000 रुपए देने हैं उसके एग्जीक्यूटर को. पहली इंस्टॉलमेंट अभी 2023 चल रहा है, तो बताओ बेटा समायरा पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी? 31 जुलाई 2024. तो क्या उससे पहले बुक्स क्लोज होती हैं? कब होती हैं? 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है, तो पहले तब बुक्स क्लोज करनी है. अभी तो पेमेंट नहीं हो रही सर, पेमेंट होगी अगले साल. बुक्स क्लोज करनी है, तो बुक्स क्लोज करने से पहले हमें तब तक का इंटरेस्ट निकालना पड़े. हमें बुक्स क्लोज करनी है, अकाउंट्स तो अक्रूअल बेसिस पे बनते हैं, तो तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. मार्च 31st इंटरेस्ट पे हो रहा है क्या? नहीं, अभी ड्यू हुआ है, अक्रू हुआ है, कैलकुलेट हो रहा है. तो उसके एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू लोन. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू लोन, तो लोन में आ जाएगा ये जेड एग्जीक्यूटिव अकाउंट. तो यहाँ पे आ जाएगा
बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट होता है? एक एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, एक एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। भाई साहब प्लीज, नींद तो नहीं आ रही ना? ठीक है चलो, किस पे कैलकुलेट होगा मिस्टर त्यागी, किस पे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो अभी तो पूरा का पूरा 10,000 ही ड्यू है, तो 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम का 10% टाइम पीरियड 31 जुलाई था ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 और 3 8। प्लीज ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, पता है 4 निकल गए तो 8 ही बचे हैं, बट बी केयरफुल, डेट गलती हो जाती है, अमाउंट गलत, 0 0। वो फर्स्ट इंटरेस्ट गलत है ना, तो सारे बैलेंसेस गलत ही आगे जाएंगे, वो आगे देखेंगे भी नहीं, आप आधे घंटा बर्बाद कर देंगे अपना। सो बी केयरफुल। इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स, तो 10,000 का 10% 1,000, 1,000 मतलब 667, 1,000 इंटू 8 बाय 12, 667। कोई भी डाउट? क्या अभी कुछ पेमेंट हो रही है? नहीं, तो बस बुक्स क्लोज कर देंगे मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अभी कितना ड्यू हो चुका है, 10,667। ओ 22233 प्लस 2292, ये तो क्लोज हो रहे हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, अब नया साल शुरू हुआ, 2024 शुरू हुआ अप्रैल 1। बाय बैलेंस बीडी, पहले से बैलेंस कितना है? 10,667। आपको इंस्टॉलमेंट पे कब करनी है पहली? प्रगति, इंस्टॉलमेंट कब पे होनी है? करेक्ट, 31 जुलाई 2024। आप अभी कहां पे हैं? 1 अप्रैल 2024 इंस्टॉलमेंट पे होनी है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, वो हो चुका है, अब 31 जुलाई को इंस्टॉलमेंट पे होनी है, तो पहले तब तक का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? जुलाई 31 बाय इंटरेस्ट। अब मजेदार पॉइंट, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा मल्होत्रा? 10,000, 10,667, 5,000, किस पे? जल्दी बोलो, आपसे पूछा मैंने, बोलो किस पे होगा? 10,000 या 10,667? यही सुनना, 10,000, 10,667 पे? नहीं, 667 तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज 10,000। 10,000 का 10% फॉर 4 मंथ्स, एंड प्लीज जिससे पूछो आंसर वो दें, पूछता तो हूँ सबसे, क्या यू फील लेफ्ट आउट? प्लीज जो बोल रहा है उसको बोलने दो ना, बीच में नहीं सर, कभी कभी तो पता होता है, बोलने दिया करो। नहीं, वेट, 333। अब ध्यान से देखना, अब पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ें, पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो जब इंस्टॉलमेंट पे होगी तो तब तक का जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो चुका है वो भी क्लियर किया जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट होगी? इंस्टॉलमेंट है 5,000 की, टुगेदर विद इंटरेस्ट। पुराना कितना अक्यूमुलेटेड था? 667, 333, आप 1,000 भी लिख सकते हैं, तो कितनी पे होगी? 6,000। कितनी पे होगी? 6,000। कोई भी डाउट? क्लियर हो गई पहली इंस्टॉलमेंट खत्म, अभी कहानी बाकी है। अब क्या होगा? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सर पे होगी 31 जुलाई 2025,
तो उससे पहले क्या होगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में? बुक्स क्लोज होंगी, बुक्स क्लोज करेंगे, तो बुक्स क्लोज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कब तक का? मार्च 31। तो बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? रॉन्ग। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज 5,000। 10,667 ड्यू थे जब साल शुरू हुआ, 333 उस पर इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो गया, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया था 11,000। 11,000 में से 6 तो दे दिए, अब एक ही इंस्टॉलमेंट तो बची है, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज 5,000। 10% फॉर 8 months। तो जो 10,000 आपने निकाला था ना, उसका हाफ, तो क्या हो जाएगा? 330। आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट मैं कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाने के लिए। सेम चीज ऊपर कैलकुलेट करी थी, वो 10,000 पे थी, ये 5,000 पे है, तो उसका आधा ही होगा। तो सर वो तो 0.5 आता है राउंड ऑफ, ठीक है ना? वो भी तो 666.67 था ना, हम उसको ऑलरेडी राउंड ऑफ कर देते, 333.33 था ये, तो इसलिए 333 रहेगा। पेमेंट अभी और कुछ नहीं, मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस? प्रिंसिपल इज 5, इंटरेस्ट इज 333। ध्यान से देखना, लास्ट ईयर टोटल कर लेंगे अपने आप, 2025। तो साल थोड़ी सी जगह बनाए, ठीक है। साल जब शुरू हुआ अप्रैल 1, बाय बैलेंस बीडी अक्यूमुलेटेड अमाउंट इज 5,333। इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 31 जुलाई। तो पहले तब तक का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, 5,000 का 10% फॉर 4 months। 167, 5,000 का 10% फॉर 4 months, 167। जुलाई 31 सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। क्या है पेमेंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टिल डेट, 500 रुपये ही होंगे, तो 5,500, 5,500। कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए देखो हाई लेवल की, ठीक है ना? वो बस इनिशियली, उनके पास ज्यादा वेरिएशन नहीं है, उनके पास ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ये अपने आप में ही काफी है, ठीक है ना? तो प्लीज ध्यान से करेंगे तो स्कोरिंग है, नहीं करेंगे तो इम्पॉसिबल है, मतलब कर ही नहीं सकते। क्योंकि सर कब किस पे कब इंटरेस्ट कब कब कैलकुलेट करना होता है, किस पे कैलकुलेट करना होता है, हमें कैसे? अरे कुछ नहीं, वो तो फिक्स कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। दो ही बार कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एज ऑन दैट डेट। तो रूल सिंपल है, बट यस, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी कॉन्सेप्ट है, इनिशियली ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो दो 12th में आए हो, कुछ तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज हो।